जो हम अभी ये आपको बता रहे हैं आप पछुआती से, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि एक गोली कांड जो है वो सामने आया है और बताया जा रहा है कि साले ने अपने चीचे और चीचे के भाई को जो है वो मार दिया और साला जो है वो पछुआती का रहने वाला है और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जो है चीचा और चीचे का भाई उनके घर पर आते हैं। क्या बातचीत होती है उन दोनों के बीच में और क्या ऐसी बात हुई जिसके कारण साले ने जो है अपने जीजे और साथ ही साथ उसके ब्रदर पर जो है वो गोली चला दी और मौके पर जो है उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और शव को जो है अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शनगर में लेके जाया गया है, जहां पर हम आपको बता देंगे कल डेड बॉडीज़ का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, पूरे तरीके से जो है इस केस को खंगाला जा रहा है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और यही स्पॉट पर जो है उनका शव जो है वो बरामद किया गया है। तीन से लेकर चार राउंड फायर जो हैं वो चलाए गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है, पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है, फोटोग्राफी के दौरान जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा फिलहाल अभी वो जांच का विषय है। लेकिन आपको हम बता देंगे, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, मौके पर उच्च अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है और फैमिली डिस्प्यूट चलने के कारण जो है ऐसा वाक्य जो है वो सामने आया है और बताया जा रहा है कि साले ने अपने जीजा और चीचे के भाई को जो है वो मार दिया और चार राउंड फायर जो है उन पर चलाए गए। मौके पर हम आपको बता दें कि कुछ राउंड जो हैं वो बरामद भी किए गए हैं और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पुलिस द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। अब ये तो जांच का विषय रहेगा कि आखिर क्यों ऐसे वाक्य जो हैं आए दिन सामने आते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी इस केस को जो है वो ख़त्म किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है वो ख़त्म किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रही है। फिलहाल ऐसे अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे साथ।